मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज शिवपुरी जिले में फिजिकल पर आनंदम केंद्र का कलेक्टर द्वारा शुभारंभ किया गया। इस केंद्र पर जरूरतमंद लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चीज ले सकते हैं एवं जिसके पास अधिक है वह यहां दान करके जरूरतमंद लोगों के लिए छोड़ सकते हैं। इस आनंदम केंद्र के शुभारंभ के मौके पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, डिप्टी कलेक्टर ममता शाक्य, आनंद संस्थान के अभय जैन सहित आनंद क्लब आदि के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज ये ओपनिंग की गई है, क्या कुछ ये मध्य प्रदेश शासन का आनंद विभाग के तहत हमारे शिवपुरी में आज इसका उद्घाटन किया गया कलेक्टर सर के द्वारा। इसमें मतलब क्या कुछ मतलब गरीबों के लिए क्या? हाँ, इसमें आनंद विभाग के तहत तमाम गतिविधियाँ संचालित जो की जाएंगी, जैसे कोई भी व्यक्ति आके अपना दान कर दे। आज भी जैसे गरीबों के लिए हमने कम्बल वगैरह का वितरण कराया है। जो भी आनंद की अनुभूति जिस चीज़ में आपको हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कोई भी जिले का कोई भी गरीब कोई भी। इसके अलावा और भी यहाँ पर सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि कोई संगोष्ठी है, कप गोष्ठी हैं, छोटे मोटे शासकीय जो प्रशासनिक के जो कार्यक्रम हैं छोटे मोटे, वो भी यहाँ पर इतनी पर्याप्त व्यवस्था है कि ये जो परशुराम चौराहे पर स्थापित किया गया है ये मध्य प्रदेश में इसकी नज़ीर बन रही है। पूरे मध्य प्रदेश में एक आदर्श आनंद केंद्र स्थापित हो किया गया है और इसकी लोग यहाँ पर ले जा करके पूरे प्रदेश में इसको फॉलो कराएंगे। मध्य प्रदेश शासन इस बात को स्पेशली इसको क्लिप को लिया गया है कि शिवपुरी में इस प्रकार का भव्य और इस प्रकार का लोगों को जन मानस के सुविधा के दृष्टि से बहुत कुछ उनके लिए आनंददायक है, इसलिए आनंद केंद्र स्थापित किया गया है। और उम्मीद है कि शिवपुरी अभी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा इसका ओपनिंग किया गया है 3:30 बजे और उसके अलावा हमारे OIC मैडम माननीय ममता शाक जी विराजमान हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपना और सारे जो यहाँ के आनंद केंद्र के जो संस्था जो हैं कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग इस शहर को बखूबसूरत और उसको आनंद का एक संदेश देने के लिए, ज़िले की एक छवि को आदर्श बनाने के लिए बहुत स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बहुत सराहना की जा रही है, आज इसका विधिवत ओपन किया गया है। कुछ कहना है आपका? मैं रिजवाना खान, मास्टर ट्रेनर आनंद संस्थान की। 2016 से हमारे मध्य प्रदेश में राज आनंद संस्थान 188 संस्थान है और अकेला मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आनंद संस्थान का मंत्रालय है, बाकी किसी और प्रदेश में नहीं है। आनंद संस्थान 3 गतिविधियाँ संचालित करता है, उसमें से एक हमारा ये आनंदम केंद्र भी है और इसकी बहुत अच्छी लाइन है कि जो आपके पास अधिक है वो आप यहाँ छोड़ जाएं और जो जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से ले जाएं। पहले ये नेकी की दीवार के नाम से संचालित था, अभी आनंदम केंद्र के नाम से संचालित है और आपको सर बता ही चुके हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और नगर पालिका के सहयोग से ये बनाया गया है। हिमांशु अग्रवाल जो है इन्होंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में। और एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, दीपावली के टाइम पे इतना ज़्यादा रिजेक्टेड मटेरियल हम लोगों को मिला था तो ये जो नीचे जो दरियाँ हैं जो अभी बांटी गई हैं उस रिजेक्टेड मटेरियल को हम लोगों ने कन्वर्ट करवाया है और उसके मान से वैल्यू से जितनी भी नई दरी हमको मिल रही थी वो आज ली हैं, बना के मिल गई हैं, उन सबको हम लोगों ने ज़रूरतमंद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं अभय कुमार जैन। आप आज ओपनिंग हुई है, क्या कुछ कह रहा है इसके बारे में? ये हमारा बहुत 5 साल पहले का सपना था कि पूरे प्रदेश में एक ऐसा आनंदम केंद्र बने जहां पर लोगों की आवश्यकता पूरी हों लेकिन उनके अंदर मानव मूल्यों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उनके अंदर ईमानदारी, स्वार्थ, कर्मनिष्ठा, इस प्रकार के पवित्र गुणों का भी एक केंद्र बने। हमें केवल ये भौतिक सामग्री वितरण करके इसको पूरा नहीं करना है, अंदर का विकास भी करना है जो कि समग्र विकास में सहायक बने। और भी एक दो बात हम कहना चाहेंगे, 3 वर्ष पहले एक छोटा सा शेड था, ये सामने छोटी सी जगह थी जहां पर कबाड़ से जुगाड़ करके इस केंद्र को चला रहे थे, लेकिन कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में और CMO नगरपालिका और हमारी OIC मैडम ममता साग जो मेरे पास हैं, इनके अथक प्रयास से इस केंद्र का भव्य निर्माण हुआ और आज इसकी ओपनिंग हुई। और बीच में इसकी ओपनिंग तो हमें चुनाव आचार संहिता के पहले करना थी लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे कि हम इसको लेट कर पाए, इसके लिए हम सबसे क्षमा चाहेंगे कि इस काम को थोड़ा लेट कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।